हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम नरेंद्र और आज हम बात करेंगे रेलवे ग्रुप डी की कट ऑफ के बारे में। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इस कट ऑफ को बताने से पहले मैं बात करूंगा रेलवे ग्रुप डी की कट ऑफ जो कि 2013 में गई थी, जिसमें टोटल वैकेंसी थी आपकी 45,000 और जो टोटल एप्लीकेंट थे वो थे आपके 1,25,00,000। तो करीब 1,25,00,000 के करीब स्टूडेंट ने एग्ज़ाम दिया था ये। और इसमें जो मैक्सिमम कट ऑफ गई थी आपकी सिकंदराबाद की गई थी, और जो सबसे कम गई थी वो गई थी आपकी गुवाहाटी की। देखिए, जो सबसे ज़्यादा कट ऑफ गई थी सिकंदराबाद की, उसके बारे में बता दूँ, जनरल गई थी 85, ओबीसी गई थी 78, और एससी गई थी 77, और एसटी गई थी 60। और जो मिनिमम कट ऑफ गई थी गुवाहाटी की 51 जनरल, ओबीसी की 43, और एससी की 44, और एसटी की गई थी आपकी 37। देखिए, उस समय जो एग्ज़ाम आया था वो आप सभी को पता है कि 80% जीके आती थी, उस 20% में आपका मैथ और रीजनिंग होता था, और जो 80% जीके होती थी उसमें आपका जनरल साइंस और जो जनरल नॉलेज है आपका हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स वगैरह, ये सभी उसमें एग्ज़ाम में आता था। और जो क्वेश्चन होते थे वो बेसिक भी होते थे, और क्या कहते हैं, इतने ज़्यादा ऐसे टफ नहीं होते थे, इतना डीप नहीं पूछे जाते थे, इतने ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं होते थे, तो उस समय मेरिट इतनी चली जाती थी। बट इस बार आपने सभी ने देखा होगा कि ग्रुप डी का जो एग्ज़ाम हुआ है उसमें जो क्वेश्चन पेपर है वो काफ़ी अच्छे लेवल से आ रहे हैं। ऐसा नहीं है कि साइंस के क्वेश्चन आ रहे हैं, बाकी का आपका जो मैथमेटिक्स है वो भी अच्छा आ रहा है, आपका रीजनिंग बहुत अच्छा आ रहा है, तो वो भी आप जानते ही हैं। बाकी का अब देखते हैं हम रेलवे ग्रुप डी 2018 की कट ऑफ के बारे में। देखिए, रेलवे 2018 की कट ऑफ से सबसे पहले हम जानते हैं कि टोटल वैकेंसी थी है हमारी 62,907 के करीब, और टोटल एप्लीकेंट लगभग 1,85,00,000 इसमें ये फॉर्म फिल किए गए थे। और जिसमें से देखिए जो एक्सपेक्टेशन है अपियर्ड जो एग्ज़ाम जिन्होंने दिया है उन स्टूडेंट की संख्या है लगभग 1,65,00,000 के करीब। बाकी जो हमने कट ऑफ निकाली है उसको देख लीजिए कि जो इस बार ही कम जाने वाली है। देखिए, इस कट ऑफ के लिए कि कट ऑफ कम जो जाएगी वो इस बार जोन वाइज देख लीजिए कि गुवाहाटी की जाएगी जनरल की 50, ओबीसी की 48, और एस सी एस टी 40 से 40, और एस टी की 38। ऐसी बिलासपुर की 52 नंबर, जनरल के लिए, ओबीसी के लिए 50, एससी के लिए 48, और एसटी के लिए 45। देख लीजिए कि इस हिसाब से जो मेरिट है हमारी कम ज़्यादा ये ऐसे जाने वाली है। देखिए कि ये कट ऑफ जो जाने वाली है हमारी, ये हमारी जोन वाइज जाएगी, ऐसा नहीं है कि ये जोन वाइज ना जाए। जो ओवरऑल जो हमने स्टार्टिंग में जोन फिल किया था तो उसके अकॉर्डिंग ये हमको अपना देखना, देख करके ही भरता है हर कोई कि कहाँ पर उसको जॉब लेनी है कहाँ नहीं, और हर स्टूडेंट आजकल एनालाइज करता है कि कहाँ के लिए बेस्ट रहेगा फॉर्म फिल करना, किस जोन के लिए। तो गुवाहाटी की इस बार फिर से कम रहने वाली है, और आपका बिलासपुर, भुवनेश्वर, अगर आप इनसे भरते हैं, आपने फॉर्म फिल किया होगा तो आपका डेफिनेटली चांस बिल्कुल है होने के पेपर में। बाकी का देख लीजिए, जहाँ की हायर रहने वाली है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। जो हायर रहेगी वो आपकी, देखिए सबसे ज़्यादा जो रहने वाली है वो आपकी चंडीगढ़ की रहेगी, चंडीगढ़ के साथ इलाहाबाद की रहेगी, और मुंबई की और सिकंदराबाद की, इन चार जगह की टॉप पर रहने वाली है आपकी, और गोरखपुर इसमें पांचवा होगा। तो देखिए, जिन स्टूडेंट ने, अगर जिनको नहीं पता है और जिन्होंने जॉन भरे हैं तो उनकी कट ऑफ देख लीजिए। अगर जितने स्टूडेंट, अगर जो भी ये वीडियोस देखेंगे उनको अगर पता लगता है कि इतने उनके नंबर आ रहे हैं, देखिए नंबर इसमें प्लस माइनस 5 कर लीजिएगा बस, प्लस माइनस 5 भी वैसे ज़्यादा ही हो गए, प्लस माइनस 2 कर लीजिएगा बस, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं हो सकता है। अगर किसी के मार्क्स इस रेंज में आ रहे हैं तो उसका सिलेक्शन पक्का है, और वो फिजिकल के लिए प्रिपरेशन करने लग जाए। फिजिकल के लिए मैं वीडियो बनाने वाला हूँ कि ग्रुप डी की फिजिकल में क्या आने वाला है और उसकी प्रिपरेशन कैसे करनी है, तो देख लीजिए कि जोन वाइज आपको थोड़ा समझ में आ जाएगा कि कितनी जाने वाली है ये। बाकी का अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है तो सब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, और कोई क्वेरी है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, और वीडियो को लाइक कर लें, शेयर कर लें और कमेंट कर दें। और मैं ग्रुप डी के लिए फिजिकल की वीडियो बनाने वाला हूं, जिसमें आपको बताने वाला हूं उसकी फुल इन्फॉर्मेशन कि प्रिपरेशन कैसे करनी है उसकी। थैंक यू सो मच।